कमलनाथ के छिंदवाड़ा में एक और बड़ा झटका लगने वाला है। आज बीजेपी में दीपक सक्सेना शामिल हो सकते हैं। वो कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी की सदस्यता लेंगे। बता दें कि दीपक के बेटे बीजेपी में पहले ही शामिल हो चुके हैं और दीपक सक्सेना भी पहले ही कांग्रेस के पदों से इस्तीफा दे चुके हैं। पहले भी छिंदवाड़ा से कांग्रेस के बड़े चेहरे बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। बता दें कि पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना कल ही भोपाल के लिए निकल चुके हैं। उनके छोटे बेटे अजय सक्सेना के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं का काफिला रोहना कला से भोपाल के लिए रवाना हुआ। अजय सक्सेना का कहना है कि पिछले 6 वर्षों से हमारी उपेक्षा की जा रही है। हम सांसद नकुलनाथ के कार्य प्रणाली से नाराज हैं। हमें कमलनाथ से कोई समस्या नहीं है। देखिए, कहीं ना कहीं आज मैंने जब 21 तारीख को ज्वाइनिंग करी थी तो मैंने कहा था कि मेरे पिता अपना डिसीजन खुद देंगे, आने वाले समय में सभी स्थितियां स्पष्ट करी जाएंगी। ये पूरी जो मुहिम है, ये आत्मसम्मान, स्वाभिमान और सभी कार्यकर्ताओं के सम्मान की लड़ाई है। पिछले 6 सालों से छिंदवाड़ा में नकुलनाथ जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस है वह दिशाहीन होते जा रही है। भारी संख्या में कार्यकर्ताओं में असंतोष है, आक्रोश है, अपमानित महसूस कर रहा है कार्यकर्ता। आज पिताजी ने 45 साल कमलनाथ जी की सेवा करी। कमलनाथ जी हम सबके लिए सम्मान है, थे, रहेंगे जीवन भर, मेरे लिए व्यक्तिगत और पिता तुल्य हैं। पर 6 सालों से जो पिता का अपमान हो रहा है और सभी कार्यकर्ताओं को उपेक्षित रखा जा रहा है, उसके कारण आज ये कदम उठाना पड़ रहा है। कितने लोगों के समर्थन में? किसी संख्या पे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। बस यही बोलना चाहता हूं कि पूरे जिले भर से, पूरी विधानसभा से भारी संख्या में सभी लोग जो 45 वर्षों में जिन्होंने आज साथ दिया, वे सभी हमारे साथ हैं। सभी ने हमें बल और शक्ति दी है। मैं उनका नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं।